नेपाल का कैपिटल काठमांडू का सोलो टूर, भक्तापुर दरबार स्क्वायर का विजिट। ये मेरा 15वीं ट्रैवल व्लॉग है और काठमांडू का 14 अगस्त 2018 का एक महीने का मेरा सोलो राइड में मैं गया था मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, नेपाल और देहरादून। नेपाल के कैपिटल काठमांडू में मैं करीब एक हफ्ते के लिए था। इससे पहले का मेरा 4 ट्रैवल व्लॉग काठमांडू के अलग अलग टूरिस्ट जगहों के बारे में था। काठमांडू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है काठमांडू दरबार स्क्वायर, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो था मेरा 12th ट्रैवल ब्लॉग। उसके बाद मैं गया था स्वयंभूनाथ, एक बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट, मेरा 13th ट्रैवल ब्लॉग। काठमांडू सिटी के जस्ट आउटसाइड है पतान दरबार स्क्वायर, उधर भी पैलेस कॉम्पाउंड है, बहुत सारे मंदिर है, और वो था मेरा इससे पहले का ट्रैवल ब्लॉग और उसका एक लिंक मैं अभी इधर दिया हूँ टॉप राइट साइड पे। आज का ये वीडियो भक्तापुर दरबार स्क्वायर के बारे में है, जो कि पतान दरबार स्क्वायर के जैसा ही है। काठमांडू सिटी से 15 किलोमीटर बाहर है भक्तापुर दरबार स्क्वायर। इस ब्लॉग में सिर्फ वीडियो और म्यूजिक ही नहीं, मैं जब मैं गया था भक्तापुर दरबार स्क्वायर उधर के बहुत सारे डिटेल्स कलेक्ट किया था, तो वो सब डिटेल्स मैं अभी इधर दे रहा हूँ। भक्तापुर दरबार स्क्वायर भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। काठमांडू वैली में 3 दरबार स्क्वायर है, काठमांडू दरबार स्क्वायर, पतान और भक्तापुर। ये तीनों पुराने टाइम पे स्टेट कैपिटल्स थे, तो ये 3 सिटीज बनाए थे उस टाइम के राजाओं ने। ये है अभी का भक्तापुर का मैप, लेकिन ये सिर्फ दरबार स्क्वायर ही नहीं पूरा सिटी का मैप है। दूसरे 2 दरबार स्क्वायर के जैसा ही भक्तापुर में भी पैलेस है, मंदिर है, बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स है, बिल्डिंग्स है। ये है भक्तापुर दरबार स्क्वायर का मैप, लेकिन ये काठमांडू दरबार स्क्वायर के जैसा उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे देखने वाले सबसे इम्पोर्टेंट जगह है 55 विंडोज पैलेस, 55 खिड़कियां का महल, तलेजू चौक, भैरव चौक, न्यातापोला टेम्पल, गोल्डन गेट और दूसरे अलग अलग मंदिर और मॉन्यूमेंट्स। ये तीनों दरबार स्क्वायर डेवलप किया था मल्ला राजवंश के उस टाइम के राजाओं ने, और ये तीनों उस टाइम पे अलग अलग राज्यों के राजधानी थे। 12th सेंचुरी से काठमांडू वैली मल्ला राजवंश के शासन में था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद करीब 15th सेंचुरी में ये 3 अलग हिस्से बन गए। तो एक एक हिस्से के लिए एक एक राजा था। अगर उस टाइम पे ऐसा एक विभाजन नहीं होते तो हमें अभी ऐसे 3 दरबार स्क्वायर देखने के लिए नहीं मिलते। हमें थोड़ा सौभाग्य है क्योंकि हमें 3 दरबार स्क्वायर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उस टाइम के राजाओं ने अलग हुए थे। भक्तापुर दरबार स्क्वायर का सबसे प्रभावशाली राजा था भूपतिंद्र मल्ला। अभी हम जो देखने जा रहा है इधर के मंदिर, मॉन्यूमेंट्स, पैलेस वगैरह, उनके समय पे बनाया गया है। मेरे पहले का ट्रैवल ब्लॉग में बताया था कि ललितपुर, जिधर पतान दरबार स्क्वायर है, वो ललित कला का केंद्र है। भक्तापुर फेमस हुआ है पेंटिंग्स और पॉटरी के लिए, चित्रकला और मिट्टी के बर्तनों। यहाँ पे हमें एक पॉटरी स्क्वायर भी मिलेगा, जहाँ पे लोग बैठ के मिट्टी के बर्तने बनाते हैं। ये दरबार स्क्वायर मतलब उन दिनों का सिटी सेंटर है, शहर का केंद्र। तो आज के जैसे शहरों में क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, वो सब उस टाइम पे उधर था, जैसे महल, मंदिर, अलग अलग तरीके का मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स वगैरह। लेकिन नेपाल में बहुत सारे भूकंप हुआ है और उसमें बहुत सारे डिस्ट्रक्शन और डैमेज हुआ है इधर के बिल्डिंग्स, पैलेस, मंदिर सब के लिए। अभी आप जो देख रहा है, ये 400 साल पुराने का एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं। ये बिल्डिंग का भी अर्थक्वेक में बहुत डैमेज हुआ है, और इसको आप देख सकते हैं, लकड़ी के बीम से उसको सपोर्ट किया है। और ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग आपको देखने मिलेगा पूरा काठमांडू में, जैसे बहुत पुराने टाइम का है और ऐसे लकड़ी के बीम से सपोर्ट किया गया है। ये बिल्डिंग का नाम है हाउस ऑफ मल्ला, और ये भक्तापुर दरबार स्क्वायर के जस्ट आउटसाइड है। ये अभी जो देख रहा है, ये है भक्तापुर दरबार स्क्वायर का एंट्रेंस। काठमांडू में मैं गया था अगस्त 2018 में, और इससे पहले का एक भूकंप, एक अर्थक्वेक हुआ था 2015 में, और उस अर्थक्वेक में बहुत सारे डिस्ट्रक्शन डैमेज हुआ था। भक्तापुर दरबार स्क्वायर का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था वत्सला मंदिर, और वो भूकंप में बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। ये है भक्तापुर दरबार स्क्वायर का एंट्रेंस से एक व्यू पॉइंट। और इस टाइम पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि इस वीडियो में DSLR में शूट किया था, और इस वीडियोस में बहुत सारे शेक है। वो मेरा गलती से हुआ है, मैंने थोड़ा मैनुअल सेटिंग्स अप्लाई किया था DSLR में, और वीडियोस में बहुत शेक आ गया।
तो इसलिए भक्तापुर दरबार स्क्वायर में देखने वाले जो चीज है, मंदिर, महल, सब वो सब इसमें नहीं डाला है, क्योंकि वो सब वीडियो क्लिप्स में बहुत सारे शेक थे। इसमें मैं डाला हूँ जो वीडियो क्लिप्स वो ज़्यादा शेक नहीं है, तो वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, ये मुझे पता है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो जैसे मैं पहले बोल रहे थे, कठमंडू वैली में उस टाइम मल्ला राजवंश का राज चल रहा था और एक टाइम पे विभाजन हो गया, तीन हिस्से हो गए और अभी हम जो देख रहे हैं इतने सारे मंदिर, महल, बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे आ गया, वो ऐसे है क्योंकि उस टाइम के तीनों राजाओं में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था। तो ये तीनों राजाओं ने अपने आप को बड़े दिखाने के लिए सबसे बड़ा मंदिर बनाने का कोशिश कर रहा था, सबसे बड़ा महल बनाने का कोशिश कर रहा था, अलग अलग तरीके के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए हमें इधर इतने सारे मंदिर और बहुत बड़ा पैलेस वगैरह सब मिल रहा है। ये जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, ये है 55 खिड़कियों वाला महल। उसके आगे है गोल्डन गेट, उसके सामने एक पिल्लर दिखेगा, उसके ऊपर एक स्टैच्यू है और वो है भूपतिंद्र मल्ला का स्टैच्यू। यहाँ पे थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब है, मैंने बहुत सारे कोशिश किए हैं इसको ठीक करने के लिए, लेकिन उतना ठीक नहीं हुआ। वो स्टैच्यू के पीछे जो रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है वो है वत्सला टेम्पल। यहाँ का 90% बिल्डिंग, मंदिर, पैलेस वगैरह नेवारी आर्किटेक्चरल स्टाइल है, नेपाल का नेवारी स्टाइल। ये जो रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है ये है केदारनाथ मंदिर और ये साउथ इंडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसको शिखारा मंदिर भी बोलते हैं। ये जो आप देख रहा है ये है कृष्णा मंदिर और ये दरबार स्क्वायर के गेट के सामने ही है। यहाँ का बड़ा महल का एक हिस्सा अभी एक नेशनल आर्ट म्यूजियम बना गया है। 2015 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और उस टाइम इधर के बहुत सारे मंदिर को बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, बहुत डैमेज हुआ था, ये सब मूर्तियाँ वो मंदिर से निकाला गया था। ये है तलेजू भवानी चौक, जहाँ पे है तलेजू भवानी मंदिर। कठमंडू वैली के तीनों दरबार स्क्वायरों में हमें अलग अलग तरीके का मंदिर और महल मिलते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीके का हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर है, एक बिल्कुल छोटा सा तालाब या एक स्विमिंग पूल जैसा। तो उस टाइम के राजा मंदिर जाने से पहले यहाँ पे आके स्नान करते थे, इसीलिए ये एक उस टाइम का लग्जूरियस स्विमिंग पूल है, राजा का स्विमिंग पूल, और उसके चारों तरफ कोबरा सांप का ये स्टैचूज है। ये चारों तरफ का कोबरा स्नेक का मूर्ति पत्थर से बनाया है और उसके बीच में, तालाब के बीच में जो है वो का पिल्लर का बीम पत्थर से है और उसके ऊपर ब्रॉन्ज का है। थोड़े दूर के एक पहाड़ के ऊपर से इधर तक एक पाइप के द्वारा पानी आते थे और ये है वो पाइप। ये जो ड्रैगन और उसके ऊपर का कुछ अलग चीज का एक मूर्ति जो बनाया है ब्रॉन्ज में, वो है पाइप, उसके द्वारा पानी आते थे इधर। लेकिन ये 400 साल पहले का बात है, अभी कुछ पानी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है अर्थक्वेक में इसको ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, डैमेज कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर ये कोबरा सांप के मूर्तियाँ यहाँ पे नहीं होते तो ये स्विमिंग पूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था। इधर के बाकी सारे मंदिर, महल और मॉन्यूमेंट सब अर्थक्वेक में डैमेज हो गया है जैसा ये, लेकिन वो स्विमिंग पूल जो है वो अभी तक ऐसे ही है। जैसे मैंने पहले का ट्रैवल ब्लॉग्स में बताया था, नेपाल एक हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजन्स का कॉन्फ्लुएंस है, संगम स्थल है। उधर बहुत सारे हिंदू मंदिर भी मिलेंगे और बहुत सारे बुद्धिस्ट मंदिर भी मिलेंगे।
जब मैं पतन दरबार स्क्वायर विजिट किया था उधर एक बहुत खूबसूरत बुद्धिस्ट मंदिर था, गोल्डन टेम्पल। भक्तापुर दरबार स्क्वायर में भी एक पुराना बुद्धिस्ट मंदिर है, लेकिन ये पतन दरबार स्क्वायर के जैसे उतना बड़ा और उतना खूबसूरत नहीं है। It's called, I'm sorry, long name for you, it's called Soktur Burma Mahabihar. Means being the revolution in Tibet 1972, there are some monks who they came from Tibet, they come to do meditation. तो वो था मेरा गाइड का आवाज, ये जो बुद्धिस्ट टेंपल और मोनेस्ट्री का नाम बता रहे थे। मुझे उस टाइम भी समझ में नहीं आया और अभी भी मुझे पता नहीं है कि इसका नाम क्या है। ये है तौमादी स्क्वायर और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसका नाम है न्यातापोला मंदिर। न्यातापोला मतलब पांच माले का मंदिर। तौमादी स्क्वायर में एक और मंदिर है, वो दूसरे मंदिर के कंपेयर करते हुए उतना पुराना नहीं है। इसका नाम है भैरवनाथ मंदिर। न्यातापोला मंदिर कंस्ट्रक्ट किया था 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में, और वो लक्ष्मी देवी का मंदिर है। ये अभी भी नेपाल का एक बड़ा मंदिर है, बड़ा मतलब सबसे ऊंचा मंदिर। इसका पगोड़ा अभी लगता है नेपाल का सबसे ऊंचा पगोड़ा है। इसका बेस में दो स्टैचूज दिख रहा है दोनों तरफ, ये पहलवान के स्टैचू है। मल्ला राजवंश का सबसे पहला राजा रसलिंग कुश्ती में बहुत इंटरेस्टेड था, तो इसलिए उन्होंने मल्ला सरनेम चूज किया। ये मंदिर पूरा नवारी आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया है और इस बिल्डिंग में आपको नवारी आर्किटेक्चर स्टाइल का बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स देखने के मिलेंगे। ये स्क्वायर में ये सबसे ऊंचा जगह है ये मंदिर, इससे बड़ा बिल्डिंग्स ये इधर आसपास में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इधर नीचे अगर देखोगे तो पुराने बहुत साल पुराने का बिल्डिंग्स देखने के मिलेंगे जो उस टाइम पे बनाया था और अभी भी उधर लोग रहते हैं। जितना भी बिल्डिंग्स लकड़ी का खंभे से बीम से सपोर्ट किया है वो सब बहुत पहले का है। और ये है नवारी आर्किटेक्चरल स्टाइल का एक यूनिक पॉइंट, इसका खिड़की और दरवाजे में थोड़ा अलग से एक एक्सटेंशन है। ऐसे खिड़की और दरवाजे आपको नेपाल में बहुत सारे पुराने बिल्डिंग्स में देखने के मिलेंगे, पैलेस में, महल में, बहुत सारे अदर मॉन्यूमेंट्स में, छोटे और बड़े बिल्डिंग्स में। मुझे लगता है जो रिसेंट अर्थक्वेक हुआ था 2015 में, इस मंदिर का कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, और उसका रीज़न होगा इसका कंस्ट्रक्शन, इसका स्ट्रक्चर। ये एक पिरामिड के जैसे बनाया गया है, इसका बेस देखोगे तो बहुत बड़ा है और एक पिरामिड के तरह स्लैंटिंग टाइप के स्टेप्स के ऊपर बनाया है ये मंदिर। ये सब के वजह से न्यातापोला मंदिर का बहुत सारे यूनिक पॉइंट्स है जो दूसरा इधर के और नेपाल के दूसरे मंदिरों से इसका बहुत अलग करते हैं। तो इसी वजह से इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी बहुत टाइम लेके किया था, करीब 100 साल के ऊपर लग गया था इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये मंदिर डेली खोलते नहीं है, साल में सिर्फ एक बार खुलते हैं। भक्तापुर दरबार स्क्वायर में जितने सारे महल, मंदिर, मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, मुझे ये वाला मंदिर, न्यातापोला मंदिर, सबसे अच्छा लगा। इससे भी बहुत पहले का बहुत सारे पुराने मंदिर, महल वगैरह है, वो थोड़ा हिस्टोरिक वजह से थोड़ा अच्छा है ये, लेकिन थोड़ा आर्किटेक्चरल स्टाइल में देखे जाए तो ये वाला मंदिर मुझे सबसे अच्छा लगा। और ये है भैरवनाथ टेम्पल, तौमादी स्क्वायर का एक और मंदिर है। ये उतना पुराना नहीं है तो इसी वजह से होगा इसमें इसको अर्थक्वेक में बहुत सारे डैमेज नहीं हुआ है। और इससे फिनिश होता है मेरे पास जितने सारा वीडियो क्लिप्स था, कम शेक वाला वीडियो क्लिप्स। मैं भक्तापुर दरबार स्क्वायर में पूरा एक दिन घूम रहा था और उधर बहुत सारे वीडियोस, पिक्चर्स सब निकाले थे, लेकिन वीडियोस में बहुत सारे शेक था तो इसलिए मैं सारे के सारे वीडियो क्लिप्स इसमें नहीं डाला हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मैं अभी इधर फिनिश कर लेता हूँ और इससे फिनिश होता है मेरा कठमंडू का टूर। मैं कठमंडू में करीब 7-8 दिन था और कठमंडू से मैं गया पोखरा। पोखरा नेपाल का दूसरा बड़ा सिटी है पॉपुलेशन वाइज देखे तो, और वो एक बड़ा टूरिस्ट जगह है। उधर देखने के लिए आपको नेचुरल ब्यूटी है, कठमंडू के जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, हिस्टोरिकल जगह, आर्किटेक्चर, मंदिर, इतना सब नहीं है। नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर टूरिज्म।
उधर भी मंदिर है लेकिन काठमांडू के जैसे बहुत पुराना नहीं। तो मेरा अगला वीडियो व्लॉग होगा काठमांडू टू पोहरा राइड, और वो एक राइडिंग व्लॉग है। काठमांडू से करीब 200 किलोमीटर है पोहरा, और मैं पूरा एक दिन लिया था पोहरा उधर पहुंचने के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आप जो देख रहा है ये मेरा काठमांडू टू पोहरा राइड का एक प्रीव्यू है। पोहरा में मैं 2-3 दिन स्टे किया, उधर के बहुत सारे जगह घूमे थे, और उसके बाद मैं गया था देहरादून उत्तराखंड में, और उधर से मैं गया था मसूरी, टिहरी डैम, धनौल्टी, ऋषिकेश, फिर उधर से गया राजस्थान। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं। तो मेरा अगला वीडियो का लिंक जो है काठमांडू टू पोहरा राइडिंग, उसका लिंक मैं अभी इधर दिया हूँ राइट साइड पे। थैंक यू।